पता नहीं क्यों आपको देख मुझे शर्म सी आ रही है। आपको शर्म? दरअसल मैं प्यारी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ ना, तो मुझे ना हल्की हल्की शर्म आती है। आपको नहीं आती जी? थिएटर आने से पहले आप क्या करती थी? मैं सिर्फ भेजती थी लोगों के घरों में। वो जो घरों में लड़कियां जाती? जी जी। किस तरह के लड़के के साथ आप शादी करना चाहती हैं? अंबीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ। एंकर लड़का अगर आपको प्रपोज करे तो? नहीं नहीं। शेख रशीद? कुवारा। इमरान हाशमी? अच्छे हैं। नवाज शरीफ? पुल। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और गुपली गुपली सी लड़की बैठी है। देखो मुस्कुराती है और ऐसे लगता है खूबसूरत गुलाब का फूल खिल गया हो। और दरअसल सारा कशिश मेरा इनके ऊपर पड़ रहा है। मैं साथ बैठो तो ज़्यादा हसीन लग रही है। सना मलिक हमारे साथ बैठी। सना मलिक इस फील्ड में कैसे आई, क्यों आई, किसी से मिलने आई या शायद सिर्फ मेरे पीछे आई? इनसे तसल्ली कर लेते हैं इससे पहले कि मेरे जहन में इनके से देख रही हैं, लगता है इनको मेरी बात को अच्छी नहीं लगी। तो बात करते हैं सना मलिक से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पता नहीं क्यों आपको देख मुझे शर्म सी आ रही है। आपको शर्म? दरअसल मैं प्यारी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ ना, तो मुझे ना हल्की हल्की शर्म आती है। आपको नहीं आती जी? अच्छा ये बताएं सलाम अलक, कितना अरसा हो गया आपको इस इंडस्ट्री में? मुझे एक साल तकरीबन हो गया। अच्छा ये बताएं थिएटर आने से पहले आप क्या करती थी? मैं सिर्फ भेजती थी लोगों के घरों में। वो जो घरों में लड़कियां जाती? जी जी। मैं 10 साल दरवाजे में खड़ा रहा हूँ, आप तो आई नहीं सिर्फ दिन। आप भी उस दिन कुछ सिर्फ बेचने के लिए गए होंगे। नाज़रीन ये लगता पुट्ठी पड़ गई है। नहीं मैं सिर्फ बेचने कभी नहीं गया, लेकिन आपने सिर्फ बेचा है, कितना अरसा वो काम किया? वो मैंने तकरीबन कोई 7-8 मंथ किए। तो वो छोड़ क्यों दिया? बस लोगों के घरों में जाती थी और कुछ लड़के ऐसे होते थे हूट करते थे कि अंदर आके सिर्फ दिखाओ, इसलिए। बहुत बुरी बात, मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों पे, क्योंकि ये जो लड़कियां होती हैं ये एक मजबूरी के तहत काम करती हैं, लोगों के घर सिर्फ भेजती हैं। ये इज्जतदार लड़कियां होती हैं, ये कोई गलत लड़की नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इज्जतदार नहीं होते, जिनकी नज़र ठीक नहीं होती, नीयत ठीक नहीं होती। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बहन बेटी दरवाजे पर चल के आती है सर बेचने आती है, इनकी रिस्पेक्ट इज्जत किया करें, इन्हें ना ही बुरी नज़र से देखा करें ना ही इन्हें कोई गलत बात किया करें। आपने सिर्फ बेचना छोड़ा, थिएटर तक आप किस तरह आई, आपको कौन लेके आया? मैं सिर्फ बेचती थी, एक मेरी दोस्त थी वो कहती थी आओ शुक्ली तो ड्रामा देख के आए, वो परफॉर्म करती थी स्टेज पे। अच्छा। जी तो मैंने ड्रामा देखा तो मैंने ये सोचा इस थिएटर में कितनी इज्जत है, कितने अच्छे तरीके से पब्लिक बैठ के देख रही है, एक लड़की की इज्जत है। तो हम लोग सिर्फ बेचते हैं, हमें इतना हूट भी करते हैं तो शर्मिंदगी भी होती थी, तो फिर इसलिए। अच्छा तो आपकी दोस्त आपको थिएटर में ले के आई। सिर्फ बेचना और थिएटर में आना ये दोनों फील्ड अलग अलग हैं, आप क्या कहती हैं, सिर्फ बेचना बेहतर था या थिएटर में डांस करना बेहतर? थिएटर में डांस करना बेहतर है क्योंकि इज्जत से हम आते हैं, पब्लिक के साथ इंजॉय करते हैं, इज्जत से हम घर चले जाते हैं। मैं दोस्त के साथ आती थी, फिर मुझे किसी प्रोड्यूसर ने बोला कि स्टेज पे परफॉर्म करोगी, मैंने कहा जी मैं करूँगी। तो फिर मैंने जब गाना करने लगी तो मुझे कहते जाओ, लेकिन ऐसी कुछ फीलिंग थी कि मतलब नहीं जा पा रही थी मैं। फिर मैं गई वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने पब्लिक के साथ इंजॉय की, पब्लिक ने हंसी मजाक किया, फिर दिल खुश हो गया, फिर हम लोग ने गाना वगैरह किया, फिर हम चले गए, इसलिए मैं इस फील्ड में आ गई थी इस वजह से। तो अब डांस करना आपको अच्छा लगा? जी जी मुझे डांस बहुत पसंद है और मैं अपने शौक से करती हूँ। तो लोग तंग नहीं करते हाल में बैठ के, कोई इशारे नहीं करते उल्टे सीधे? नहीं करते हैं, लेकिन जो गार्ड खड़े होते हैं वो फिर उनको या बाहर निकाल देते हैं तो या उनको चुप करके बिठा देते हैं। अच्छा इस थिएटर में ये दोस्त और ये फैन जो होते हैं चाम के जिन्हें कहते हैं हम, तो ये आप भी बनाते हैं फैन दोस्त? जी जी क्यों नहीं, जाहिर सी बात है फैन भी हैं, दोस्त भी अच्छे दोस्त हैं, अच्छा तलक है, तो इसलिए इज्जत से वो भी आते हैं अपने घर, फिर हम अपने घर। अच्छा एक पर्सनल सा सवाल पूछ लो आप। जी जी पूछें। गुस्सा तो नहीं करें? नहीं नहीं। आपकी शादी तो नहीं हुई होगी? नहीं। किस तरह के लड़के के साथ आप शादी करना चाहती हैं?
मैं मतलब कि अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ। एंकर लड़का अगर आपको प्रपोज करे तो? नहीं नहीं, एंकर अमीर हो जाएंगे, अभी गरीब है तो फिर क्या कल को हो जाएंगे? नहीं नहीं, अमीर जो अमीर के साथ शादी कर लो तो फिर अमीरों के साथ गुजरती जिंदगी। अमीरों के पास क्या है? सिर्फ पैसा, गाड़ी और प्यार मोहब्बत सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं, अमीर नहीं करते इतना। नहीं, कुछ लोग अमीर भी करते हैं और गरीब ना भी करने पे आए तो नहीं करते। ओके, इसे क्लोज करें, दफा मारें, आप करें अमीर से शादी। अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए तो आप पहला ऑर्डर जो भी लगाएंगी फौरी पूरा होगा, कौन सा लगाएंगी? मैं यही ऑर्डर लगाऊंगी कि ये जो इमरान खान ने यहाँ पे की हुई है, ये अल्लाह इसको उठा ही ले बस। ये ऑर्डर नहीं, ये बददुआ है, और दिन मामला नहीं लेना है, चॉकलेट। मैं कहती हूँ ये मर जाए, ये खत्म। इतनी बददुआ इसको लोग देते फिर भी ये नहीं मरता, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ ये। कि मौत तो अपने वक्त से आनी है, लेकिन आपने वोट डाला था? नहीं, मैंने कब, मैंने शेर को डाला है, बल्ले को नहीं। मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, आपने भी बड़ी गेमें खेली होंगी लग रहा है मुझे, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ जो गेम खेलूंगा वो ये है कि मैं जिस चीज़ का नाम लूंगा, जो आपके जहन में पहला ख्याल आएगा आप मुझे फौरी बता देंगी कि मेरे जहन में ये आ रहा है, ठीक है? इमरान खान। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म। शेख रशीद। कुवारा। वो अंकल अभी तक कुवारा है? अच्छा हाँ, उनका लड़कियों के जहन में यही आता है कुवारा, ठीक है। इमरान हाशमी। अच्छे हैं। अच्छे हैं। आपने उनकी फिल्में देखी? नहीं। इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं, जिस दिन आपने फिल्म देखनी आपने कहना टूट पैने हैं। नवाज शरीफ। पुल। तो नाज़रीन, ये थी सना मलिक हमारे साथ, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं हूँ आपका देसी एंकर, मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।